फ्रेंड्स, एनसीबी द्वारा एक होटल में रेड की गई। रेड के चलते एक एक्ट्रेस को पकड़ लिया गया एनडीपीएस एक्ट के तहत। इस मामले में एक्ट्रेस के साथ एक और व्यक्ति था जिसको अरेस्ट किया गया एनडीपीएस एक्ट के तहत। हालांकि इस मामले में सेंटा क्रूज पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई। एनसीबी के पास इंफॉर्मेशन थी और उसके चलते ये कार्रवाई हुई। सुबह ठीक 3 बजे रेड की गई एनसीबी द्वारा और एक्ट्रेस को और एक्ट्रेस के साथ एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि बांद्रा कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया मेडिकल के बाद, लेकिन बाद में बेल मिल गई। ये खबर है संडे देर रात की और एनसीबी द्वारा कार्रवाई की गई, ये खबर आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस मामले में जो एक्ट्रेस जिनको अरेस्ट किया गया था, मिस शाह हैं, टॉलीवुड में एक्ट्रेस हैं, और खबर मिली थी एनसीबी को कि बर्थडे पार्टी के तहत कई लोगों ने ड्रग्स का कंजम्पशन किया था, लेकिन जिस वक्त रेड की गई उस वक्त रूम में सिर्फ 2 व्यक्ति अवेलेबल थे और उनके पास से 1 ग्राम का ड्रग्स बरामद हुआ और उसी के चलते एनडीपीएस एक्ट के तहत एनसीबी ने इन्हें मेडिकल कराया। मेडिकल के बाद बांद्रा कोर्ट में पेशी हुई और फिर बाद में बेल मिल गई। तो आप देखिए कि एनसीबी किस तरह से हर उस इनपुट पर काम कर रही है जो कि रिलेटेड टू ड्रग्स मिल रही है एनसीबी को। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में हर वो व्यक्ति को पकड़ा है जो कि रिलेटेड टू ड्रग्स है। हम इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते कि एनसीबी द्वारा किए गए कार्रवाई के तहत आज 33 लोगों पर चार्जशीट है और सिद्धार्थ पिठानी जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में इनफैक्ट। और कल अब बेल के मामले पर हियरिंग होनी है रिलेटेड टू सिद्धार्थ पिठानी। देखना होगा इस पर क्या खबर आएगी। जो भी आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बनी हुई है लोगों की एनसीबी से, हालांकि सीबीआई से भी, ईडी से भी, और इनफैक्ट वी एक्सपेक्ट कि एनआईए भी कुछ ना कुछ जरूर करके देगी जस्टिस इन द केस। फिलहाल एनसीबी से एक खबर आई जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। कुछ और खबरों के साथ फिर दोबारा जुड़ूंगा।